तो अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे फिश है। दुबई में आ गए हैं गाइस। सब में बड़ी फिश मुझे ये वाली लग रही है। मर गई है क्या? गाइज बॉडी साहब, इट्स योर बॉय शादाब हियर। सो आज हम लोग जा रहे हैं, yes, आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। सो आज हम लोग जाने वाले दुबई का इंटरनेशनल एक्सपो में, जहाँ पे आपको फिश टनल में लेके जाने वाला हूँ। सो इंडिया में आ चुका है, yes, और इंडिया में यहाँ पे अंबरनाथ में आया है। सो आपको जो फुल लोकेशन है आपको कैप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो डू चेकआउट। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर आप नए हो सो राइट चैनल पे आप आए हो, अभी जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और वीडियो को बहुत सारा शेयर करना अगर आप लोग भी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हो, या फिर और मेरा बर्थडे मंथ भी स्टार्ट हो गया है तो हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं सरप्राइज। सो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ व्लॉग में। सो चलो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं और आप सबको बताता हूँ क्या क्या है। चलो हम आ रहे हैं, ये लोग टू व्हीलर की अलग से पार्किंग है यहाँ पे 20 रुपए की। और यहाँ पे देख सकते हो आप फिश टनल में हम लोग आए, आपका भी है इनके पास आना पार्किंग का। ये है टनल, फिश टनल, इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं। दुबई एक्सपो के जैसे बना हुआ है इस भी। सो आपको लेके चलता हूँ, पहले यहाँ से हम लोग टिकट लेते हैं और फिर आपको लेके चलता हूँ। कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पे? हम लोग जा रहे हैं अंदर अभी और मेरे साथ है सेवोड़ी, और अंदर जाके आपको बताते हैं क्या क्या चीजें हैं। करते साथ ही आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे फिशेस दिख जाएंगे। ये इसका नाम है रेड ऑस्कर फिश, और यहाँ पे भी बहुत सारे हैं। ये भी बहुत क्यूट लग रहे हैं, देखो गाइस। एंड ये इसका नाम है सिक्ट। यहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे फिश है आपको दिख रहे होंगे। ये देख सकते हो जेब्रा टिपो इसका नाम है फिश का। यहाँ पे ऐसे जेब्रा स्ट्राइप्स होते हैं इनको, कितने क्यूट लग रहे हैं। हिडो टेट्रा गाइस ये फिश का नाम है, आप लोग देख सकते हो कितनी ब्लू है, येलो येलो है बहुत ज़्यादा, मतलब प्यारे क्यूट है ये भी। हिडो टेट्रा वाइट है गाइस, कितने सारे गाइस देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। जेबा तेरी बच्ची आ गई जेब्रा। वाओ गाइस, अरे गाइस का नाम फिश का, वाओ कितने मस्त लग रहे हैं देखो। और बहुत सारे यहाँ पे पूरा इनको अलग से रखा गया है। मैं गाइस कबूतर का, यहाँ पे इनके येलो है और ब्लैक स्ट्राइप्स है। हेलो, जो है वो टाइगर ऑस्कर है फिश का नाम, आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा क्यूट है यार। इनका कलर देख सकते हो, सो डिफरेंट, बहुत ही मस्त लग रहा है गाइस। यहाँ पे आओ एक बार, आपको एक्सपीरियंस करो, बहुत अच्छा है यहाँ पे सारी चीजें गाइस। ये है एंजल फिश, आप लोग देख सकते हो इन पे भी ब्लैक ऐसे वाइट काइट का शेप है इसका भी, बहुत ही क्यूट लग रहा है गाइस। ये वाला सेक्शन हम लोग ने कवर कर लिया, अभी ये साइड जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे भी ऐसे ही टैंक्स लगे हैं, बहुत सारी मच्छीज है गाइस। यहाँ पे 50+ है फिश टैंक है, और ये फर्स्ट है यहाँ पे हनी कोबरा। यहाँ पे देख सकते हो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इनका कलर मेटालिक में सिल्वर में है। शार्क तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वाइट शार्क भी बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ ये वाली फिश, देख सकते हो आप। गोल्ड फिश किसको नहीं पसंद है, हर किसी को पसंद है गोल्ड फिश, आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पे सेव लोन गाइस, मतलब पैसे बचाओ, लोन फिश है, लोन फिश है गाइस, आपको लोन देगी, बहुत ही अच्छी लग रही है ये भी। मेट गोल्ड गाइस, ये भी मतलब गोल्ड फिश का ही टाइप है, बट ये थोड़ी लंबी होती है, जैसे आप लोग वो वाला फिश का आप लोग कार्टून देखते रहोगे वैसे टाइप में फिश है ये। ये जो है वो अफ्रीकन कैट फिश है, आप लोग देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे, ये लोग ऐसे हिलते नहीं है बट यहाँ पे देख सकते हो आप, थोड़ा सा ब्लर है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे गाइस। गोल्ड फिश का नाम है बट एग्जैक्टली नहीं पता हमको क्या है फिश का नाम, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे गाइस। पीछे देख सकते हो इसके विंग्स, ऐसे फेदर टाइप में विंग्स है इसके।
गाइस ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, कार्प फिश आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे वाइट और ब्लैक में अवेलेबल है। मिल्की वाइट कार्प है, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा स्पीड में चलती है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एंड यहाँ पे भी कोने में बहुत सारी है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के, बहुत ही क्यूट है। हम लोग अभी टनल के अंदर जा रहे हैं, तो आपको बताता हूँ टनल में कौन सी फिशेज आपको देखने मिल जाएगी। वही का टनल है गाइस, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ज़ेबा भी आई है यहाँ पे एक्सप्लोर करने। ज़ेबा कैसा लग रहा है आपको? ये भी एक वाइट फिश है एंड ऊपर भी बहुत सारे फिश है, यहाँ पे भी बहुत सारा ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो ऊपर से सनलाइट आ रही है, इतने क्यूट सारे मच्छी है, देख सकते हो आप लोग खेल रहे हैं वो लोग। यहाँ पे भी देख सकते हो आप कितने सारे मच्छी हैं ऊपर, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे भी देखो कितनी ज्यादा बड़ी मच्छी है, और ये फिश मर गई है क्या? हिल रही नहीं है, मर गई है क्या? गाइस कितनी बड़ी शार्क है यार, देख सकते हो ब्लैक शार्क। ओ गाइस ये वाइट शार्क है, और ये भी देखो कितनी ज्यादा बड़ी मच्छी है। यहाँ पे भी प्रॉपर ब्लैक शार्क आपको देखने मिल जाएगी, यहाँ पे पूरा शार्क का है, और ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक है ना? एंजॉय कर रहे हो आप लोग? तो वाइट आपको शार्क मिल जाएगी देखने के लिए, बहुत ही गाइस देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी है फिश, और यहाँ पे भी कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। देखो गाइस बस ज़ेबू इंजॉय कर रही है यहाँ पे। मून फिश है इसका नाम, देख सकते हो आप हिलती नहीं है ये गाइस, ये पत्थर की जैसी मच्छी होती है, इनका भी ऐसी पैटर्न होता है, ये ब्लैक में पूरा ब्लैक हो जाती है, ये सिल्वर में ये ब्लैक में है। देखो गाइस कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये मच्छी, यहाँ पे भी बहुत सारे फिशेज हैं आप लोग देख सकते हो, ये वाइट में भी है, देख सकते हो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है दुबई में आ गए हैं गाइस हम लोग, ऐसे फिश टनल है पूरा। और ये देख सकते हो आप कितनी ज्यादा मस्त लग रही है फिशेस, एंड यहाँ पे भी ये वाली बहुत बड़ी फिश है आपको दिखाता हूँ। चलो अभी एग्जिट होने वाला है गाइस हमारा, ये वाली फिश देखो गाइस कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है, टच करना इसको। वो बोल रही है सब्सक्राइब करो, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। सब में बड़ी फिश मुझे ये वाली लग रही है, अभी यहाँ से वहाँ जा रही है गाइस, आपको दिखाता हूँ। वाह कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये ऊपर ही रहती है गाइस, और यहाँ पे भी कुछ अलग अलग फिश है आप लोग देख सकते हो, ये वाली देखो गाइस। ओ वाओ सबसे बड़ी फिश ये है, ये भी बहुत ज्यादा यूनिक लग रही है, देख सकते हो इसका प्रिंट, ये भी स्टैचू जैसा खड़ी है। बाहर आ जाएगी वो, बाहर आ जाएगी फिश। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं आप लोग, अगर आप भी फिश लवर हो जैसे मच्छी आपको बहुत ज़्यादा
अगर फिश टैंक आपके घर में नहीं रख सकते तो यहाँ पे आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये भी गाइस बहुत ज़्यादा बड़ी फिशेस का नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक्वेरियम के बाहर आओगे तो यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, सो आप लोग यहाँ पे राइड्स वगैरह इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करना है 10-20 रुपीज़ में आपको स्टेशनरी वगैरह मिल जाएगी अगर आपके किड्स वगैरह बच्चे वगैरह, सो आप आ सकते हो। ये फिश एक्वेरियम के बाजू में ही है इनका शॉप, एंड यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। ये भी क्यूट वाला इरेजर भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो आप बुक स्टॉल भी आपको मिल जाएगी, अलग अलग टाइप के नॉवेल्स वगैरह आप पढ़ते हो तो यहाँ पे केजीज के ऊपर है। सो यहाँ पे अगर बच्चे वगैरह आपको नॉवेल्स फिक्शन वगैरह अगर आपको रीडिंग करना पसंद है सो एंड यहाँ पे और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे आप रूम डेकोर के लिए यहाँ पे शर्ट वगैरह भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें भी आपको वुडन की चीज़ें भी मिल जाएगी। कैरी चाहिए गाइस, इसको कहाँ से लाओ, मैं अभी कैरी नहीं है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ये वाली ट्राई करेंगे, कौन सी वाली चाहिए देखो, ये वाला चाहिए इसको। एंड ये खट्टी मिट्टी होती है, पहले हम लोग बहुत ज़्यादा खाते थे। यहाँ पे देख सकते हो तो कितना अच्छा मेला लगा हुआ है, किड्स वगैरह इंजॉय कर सकते हो आप लोग अगर आप किड्स के साथ आ रहे हो अपने। और यहाँ पे ऐसे खाने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह है, आपको पॉपकॉर्न वगैरह खा सकते हो आप लोग, चीज़ पॉपकॉर्न। एंड यहाँ पे भी राइड्स वगैरह इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेक डांस भी है आप लोग पीछे में, उसमें भी पहले बैठता था अभी छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे ऐसे जंपिंग का भी बना हुआ है अपने किड्स वगैरह के लिए। आज थोड़ा खाली है, मतलब मैंने वीक डेज पे आया हूँ तो खाली मिल गया मुझे। अब वीकेंड पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग टिल हियर गाइज, आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है कुछ भी चीज़ें तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो। और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा रूम मेकओवर का सेकेंड पार्ट होने वाला है। सो आपको बताने वाला हूँ कैसी मेरी रूम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना अगर आपको शॉपिंग रिलेटेड या फिर आपको ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी आपको पसंद है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो चलता हूँ और मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में।